हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आपकी मैम, संस्कृत मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी, संस्कृत पाठ माला, भाग तीन, पाठ तीन, तृतीय पाठ, धीरा बालका। कौन? धीरा बालका। जिन बालकों में धीरज था, धैर्य था, उन बालकों के बारे में बताया है। अब आप देखना कैसे उन बच्चों ने धैर्य रखते हुए क्या क्या काम किया, और ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एकस्मिन ग्रामे त्रय बालका आसन। एक गांव में तीन बच्चे थे। ग्रीष्मावकाशस्य समय आसीत, गर्मी की छुट्टियों का समय था। ते प्रवासस्य योजनां कृतवन्तः, उन्होंने क्या करा, घूमने की योजना बनाई। स्व अभिभावकानां अनुमतिं प्राप्तवन्तः, उन्होंने अपने अपने अभिभावकों यानी कि अपने अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से आज्ञा ले ली। ते नूतन वस्त्राणि धृतवन्तः, उन्होंने नए नए वस्त्र पहने, कपड़े पहने। बस स्थानकं गतवन्तः, ते बस यानस्य आरोहणं कृतवन्तः, वो बस यान पर गए और उन्होंने वहाँ पर बस में चढ़ गए। बस यानम प्रस्थितम, बस में वो चढ़ गए। सर्वे आनंद अनुभवंत, सभी ने आनंद का अनुभव किया, सब बहुत खुश हो गए। मार्गे अरण्यम आसीत, रास्ते में जंगल था। अकस्मात लुंठका बस यानम स्थारगतवंत, अचानक क्या हुआ कि कुछ लुटेरे बस में चढ़ गए। झटिति बस यानस्य आरोहणम कृतवंत है, और जल्दी से उन्होंने बस को उन्होंने रोक लिया और जल्दी से वो क्या हुआ, बस में चढ़ गए। ते भुशुंडिम दर्शितवंत है, उक्तवंत है, और उन्होंने क्या करा, बंदूक की ओर इशारा करके कहा। भुशुंडिम शिरे मने बंदूक की ओर दर्शितवंत है, बंदूक की ओर दिखाते हुए कहा, भो यात्रिण, अरे यात्रियों, स्व आभूषणानी स्वधनम च सर्वम यच्छन्तु, तुम अपने सारे आभूषण या जितने भी गहने हैं और जितना भी तुम्हारे पास धन है, पैसा है, वो सब दे दो, अन्यथा मार्या में, नहीं तो क्या करेंगे, हम मार देंगे। अब अर्थ, सर्वे यात्रिण भीता अभवन, सभी जो यात्री थे डर गए। डरने की बात थी, लुटेरे आ गए, हमारे सामने कोई ऐसे आ जाए तो हम भी डर जाएंगे। ते स्व आभूषणानी धनम च लुंठका नाम दत्तवंत, उन्होंने क्या करा, अपने सारे आभूषण अपने उन लुटेरों को दे दिए। तदात्रय बालका शनह शनह लुंठका नाम पृष्ठत गतवंत, उसके बाद वो तीनों बालक धीरे धीरे लुटेरों के पीछे पीछे चल दिए। झरिति देशाम हस्तम गृहितवंत, और उन्होंने क्या करा, जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। किनका? लुटेरों का हाथ पकड़ लिया। आयुधानी पातितवंत है, उन्होंने क्या करा, अपने हथियार गिरा दिए। सर्वे यात्री ने मिलित्वा लुंठकान ताड़ितवंत है, सभी यात्रियों ने मिलकर क्या करा, लुटेरों को पीटा। तेषाम आरक्षकाय च दत्तवंत है, और उनको क्या करा, उन्होंने उन लुटेरों को, सिपाहियों को दे दिया, पुलिस को दे दिया। सर्वे यात्रिण संतोषम प्राप्तवंत है, सभी यात्रियों को बहुत संतोष मिला कि ये बहुत अच्छा काम करा बच्चों ने। सर्वे बालकानां धैर्यम श्लाघितवंत है, सभी ने उन बच्चों की के धैर्य की, उनके साहस की बहुत प्रशंसा की, बहुत तारीफ की, क्योंकि उन्होंने इतनी प्रशंसा का काम किया था बच्चों, क्योंकि लुटेरों के पास जाना, बंदूक थी उनके पास, उसको देखना, उससे तो वैसे ही छोटे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा, बहुत धीरज दिखाते हुए उनके पीछे पीछे चले गए और पीछे जाकर उनके हाथ पकड़ लिए, जिससे क्या करा, लुटेरों ने अपने हथियार उनके गिर गए, गिरा दिए उनके, और तब भी सब यात्री एक होकर उन्होंने उन लुटेरों को पीटा और उन्होंने उसको पुलिस को दे दिया, और सबने क्या करा, उन बच्चों की बहुत बहुत प्रशंसा की। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना इन धैर्यशाली बच्चों के बारे में, कितना साहस का इन्होंने काम किया। कभी कभी ऐसा साहस बहुत अच्छा भी होता है, और कभी कभी बहुत अधिक साहस दिखाने से बहुत नुकसान भी हो जाता है। तो हम अब बच्चों पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला शब्द है बच्चों आसन। आसन क्या है? थे। ग्रीष्मावकाशस्य यानी कि
गर्मी की छुट्टियों का। ते माने वे प्रवास यात्रा, कृतवंते माने की, अभिभावक माता पिता, अनुमति माने आज्ञा, नूतन नए, धूतवंत धारण किए, आराह आरोहणम माने चढ़ना, प्रस्थितम चल्दी, अरण्यम क्या है वन या जंगल, लुंठका लुटेरे, झटिति जल्दी से, भुषुंडिम क्या है बंदूक, भो अरे, आभूषणानि गहने, स्वधनम माने अपना धन, भीता माने डर गए, प्रष्टिता पीछे, आयुधानि हथियार, मिलित्वा मिलकर, ताड़ितवंतः पिटाई की, आरक्षकाय सिपाही को, धैर्य धीरता या धीरज, श्लाघितवंते प्रशंसा की। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में एक्सरसाइज नंबर एक हमारी है, क्या है, निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आप बच्चों ये प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ, इनको हिंदी में लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, त्रय बालका का योजना कृतवंत है, तीन बालकों ने क्या योजना बनाई, तीनों बालकों ने घूमने की क्या बनाई, योजना बनाई, घूमने की योजना बनाई ना, यात्रा करने की। तो प्रवासस्य योजनाम कृतवंत, दूसरा प्रश्न है बच्चों, बालका केशाम अनुमतिम प्राप्तवंत है, बच्चों ने किनकी अनुमति ली थी, अपने अपने अभिभावकों की, अपने अपने माता पिता की। तो बालका स्व अभिभावकान अभिभावकानाम अनुमतिम प्राप्तवंत। तीसरा प्रश्न है हमारा, बालका केन यानेन प्रवासम कृतवंत है, बच्चों ने किस यान से यात्रा की, किससे यात्रा की, बस से की थी। तो बालका बस यानेन प्रवासम कृतवंत। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, अकस्मात यानम के स्थगितवंते, अचानक बस में कौन आ गया, अकस्मातम बस में लुटेरे आ गए थे ना, अकस्मातम यानम लुंठका स्थगितवंत। तो इस प्रकार हमने बच्चों प्रश्न और उनके उत्तरों को किया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरने हैं हमें। पहला हमारा खाली स्थान है, पहला है डश समय आसीत, कौन सा समय था, ग्रीष्मावकाशस्य, गर्मी की छुट्टियों का समय था। ते प्रवासस्य डैश कृतवंत है, उन्होंने प्रवास की क्या की, योजना कृतवंत, उन्होंने यात्रा की योजना बनाई। ते नूतन वस्त्राणि आरोहणम कृतवंत, झटिति बस यानस्य आरोहणम कृतवंत। एक्सरसाइज नंबर 3 है, सम्यक उत्तर चिन्हांकित करो, जो सही उत्तर है इन विकल्प में से उन उत्तर को हमें चिन्हांकित करना है, सही का निशान लगाना है। जैसे एकस्मिन ग्रामे बालकः आसन कितने, पंच या त्रय या चत्वार, कितने थे, त्रय बालका। ते स्थानकम गतवंत, वो उन्होंने कहाँ गए, वो किस किस यान से गए, बस वायुयान या द्विचक्रिका। ते बस यानम, बस यानस्य च पदे विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति, बस यानस्य इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, चतुर्थी या कि षष्ठी या कि सप्तमी, या विभक्ति लगी है बस यानस्य, बस की काके की षष्ठी विभक्ति। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए रिक्त स्थान और सही उत्तर पर सही का निशान लगाया।
नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4, कोष्टक में दिए गए वर्तमान काल के रूप को भूतकाल के रूप में लिखना है। जैसे छात्रा कोलाहलम कुर्वन्ती, छात्र कोलाहल करते हैं, इसको हम भूतकाल में करेंगे छात्रा कोलाहलम, इसके हिसाब से करेंगे कृतवंत। ते फलानी खादंती, ते फलानी खादितवंत। बालिका गीतम गायंती, बालिका गीयम गीतम गायितवंत। ता फलरसम पिबंती, ता फलरसम। तो इस प्रकार हमने बच्चों कोष्टक में आए हुए वर्तमान काल के रूप को भूतकाल के रूप के बहुवचन में उसको किया हमने, और इस उदाहरण से हमने इनको बनाया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है विपरीतार्थक लिखक, जो इनके विपरीत क्या होता है विलोम शब्द, जो इन शब्दों के विलोम शब्द हैं उनको हमें लिखना है। धैर्यम अधैर्यम, मित्रम अमित्रम, आनंद निरानंद, अरण्यम मरुस्थल, अस्ति नास्ति, है और नहीं है। तो इस प्रकार हमने विपरीत शब्द लिखे कुछ यहां पर आए हुए जो शब्द हैं उनका हमने विपरीत अर्थक प्रयोग किया। एक्सरसाइज नंबर 6 है बच्चों हिंदी में अनुवाद करना है। ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं इनका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। ते प्रवासस्य योजनाम कृतवंत है, उन्होंने घूमने की यात्रा पर जाने की योजना बनाई, उन्होंने यात्रा की योजना बनाई। मार्गम अरण्यम आसीत, रास्ते में अरण्य माने जंगल, रास्ते में जंगल था। ते नूतन वस्त्राणि धृतवंत है, उन्होंने नए वस्त्र धारण किए। झरिति तेषां हस्तम गृहीतवंत है, जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। किनका हाथ पकड़ लिया था? लुटेरों का, बच्चों ने लुटेरों का हाथ पकड़ लिया था। तो ये कुछ वाक्य हैं इनका हमने हिंदी अनुवाद करा है। एक्सरसाइज नंबर 7 है बच्चों हमारी वाक्यानि रचत, मेक सेंटेंसेस जिसे बोलते हैं, वाक्य बनाने हैं। छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं आप, जैसे ग्रामे अहम ग्रामे वसामी, वस्त्राणि ते नूतन वस्त्राणि धारयन्ति, वे नए वस्त्र धारण करते हैं। आनंद रामः आनंदः स्वयात्राम् अकरोत्, राम ने आनंद पूर्वक अपनी यात्रा की। आरोहण ते झटिति बस याने आरोहणम कुर्वन्ती, वो जल्दी से बस में चढ़ जाते हैं।
तो इस प्रकार हमने वाक्य बनाए। वाक्य बच्चों अपने हिसाब से आप कोई भी बना सकते हैं, वाक्य छोटे हों पर उनका ग्रामे जैसे शब्द हैं, इस शब्द से वाक्य बनाना है हमें। रचनात्मक कार्य है, एक्टिविटी है, इसमें हमें यात्रा के विषय में 5 वाक्य लिखने हैं। आपने कोई सी भी यात्रा करी हो, कहीं की भी यात्रा की हो, और हिंदी में बना सकते हैं आप, और वो यात्रा के विषय में वर्णन 5 वाक्य बना के आप अपने टीचर्स को दिखाइए, उनको बताइए आपने कैसे यात्रा की। अगर कोई आपकी यात्रा में कोई बहुत अच्छी ऐसी बातें हुई है वो भी लिख सकते हैं आप, उसमें 5 वाक्य बनाकर अपने टीचर को दिखाइए। ये आपके होमवर्क में एक्टिविटी है, और इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में होमवर्क कॉपी में भी कर सकते हैं, या किसी एक शीट पर, A4 शीट पर भी इस कार्य को करके अपने टीचर को दिखा सकते हैं। और जो भी वर्णन आप लिखें वो बहुत अच्छा वर्णन होना चाहिए, उसमें शब्द भी अच्छे बने हुए होने चाहिए, तभी आपकी यात्रा, वो यात्रा का वर्णन अच्छा रहेगा। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने देखा और एक्टिविटी के लिए देखा, हमने ये पाठ पढ़ा यात्रा का वर्णन, कैसे बच्चों ने धैर्य के साथ काम लिया और उन लुटेरों को पकड़ लिया। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में बच्चों आपसे फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए आभार।